नमस्कार दोस्तों, भोपाल नगर निगम भर्ती 2024 तो पाँच बी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुनहरा मौका है 5वीं पास के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, तो पूरी डिटेल जानेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में नगर पालिका निगम कार्यालय में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगज आवेदकों के लिए जो है शीघ्र लेखक वर्ग 3 लीडिंग फायरमैन उपयंत्री सिविल, ठीक है, सब इंजीनियर्स और समयपाल माली प्रशिक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षण, सहायक अतिक्रमण, ठीक है, निरोधक अधिकारी, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, माली प्रशिक्षक, इलेक्ट्रिशियन और सफाई संरक्षक के पद पर जो है भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस भर्ती के लिए जो है ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो योग्य आवेदक अपने आवेदन फॉर्म 13 अगस्त 2024 शाम 6 बजे तक विभाग के पते पर जमा कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत निकले पदों की जानकारी जो है आपको बता देते हैं दोस्तों। थोड़ा देखिए दोस्तों, पद नाम, कुल पद और योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप जैसे ही आप नीचे आएंगे तो शीघ्र लेखक कि जो है एक जो है वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, उसमें 12वीं के साथ जो है अशुल्लिपित परीक्षण उत्तीर्ण और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। देन उसके बाद जो है रहेगी वो लीडिंग फायरमैन की रहेगी, उसमें भी एक पोस्ट है 12th के साथ। एग्रीगेशन डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फायरमैन जो है उसके लिए जो दो पोस्ट निकली हुई है तो 12th के साथ एग्रीगेशन डिप्लोमा उसमें ज़रूरी है। सब इंजीनियर की बात करें तो सब इंजीनियर सिविल में जो है 3 पद निकले हुए हैं, ठीक है, और इसमें इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा इसमें रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं समयपाल के, तो 2 पद निकले हुए हैं इसके 12वीं के साथ, सिविल इंजीनियरिंग में जो है ITI होनी है। माली प्रशिक्षित की बात करें तो इसमें 2 पद जो है इन्होंने निकाले हुए हैं। तो जो 8वीं पास है, 8वीं के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण या 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। सहायक राजस्व निरीक्षण की बात कर लेते तो 6 पद इसमें निकले हुए हैं। 12वीं उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, इसमें 6 जो पद निकले हुए हैं, 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, तो एक इसमें जो है पोजिशन जो है पद खाली है, नगर नियोजन में उपाधि होनी चाहिए आपके पास, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन का जो है 1 पद निकला हुआ है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI होनी चाहिए आपकी। लीडिंग फायरमैन संविदा 2 निकला हुआ है, ठीक है, 2 पद निकले हुए हैं। 12th के साथ एग्रीगेशन डिप्लोमा मांगा हुआ है। फायरमैन संविदा 4 जो पद निकले हुए हैं, 12th के साथ एग्रीगेशन डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। सफाई संरक्षण, इसमें जो है सफाई संरक्षण संविदा में 143 पद निकले हुए, 5वीं कक्षा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल जो है 174 पद निकाले हुए हैं जो है भोपाल नगर निगम ने, ठीक है दोस्तों। देन इसके सैलरी की बात कर लेते हैं तो पदनाम के साथ सैलरी शीघ्र लेखक वर्ग 28,700 से 91,300 रुपये रहेगी। लीडिंग फायरमैन की 28,700 से 91,300। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, और मैं जो है इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी 32,800 से 1,03,600 रुपये। इलेक्ट्रिशियन 19,500 से जो 62,000 रुपये। लीडिंग फायरमैन संविदा वेतन कलेक्टर दर अनुसार, ठीक है, कलेक्टर के दर अनुसार जो है लीडिंग फायरमैन की जो है सैलरी दी जाएगी। फायरमैन जो है संविदा वेतन कलेक्टर जो है दर के अनुसार, सफाई जो कर्मचारी रहेंगे वेतन कलेक्टर दर के अनुसार दी जाएगी, ठीक है। भोपाल नगर निगम भर्ती की आयु सीमा की बात करें तो भोपाल जो नगर निगम है भर्ती के लिए आवेदक की आयु जो है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के आवेदकों का अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट रखी गई है। नगर निगम भर्ती आवेदन फीस की बात कर लेते तो इसमें कोई भी जो है शुल्क नहीं है, निःशुल्क रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद नगर निगम जो रहेगी भर्ती महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, तो 24 जुलाई 2024 से जो है स्टार्ट हो चुकी है। 23 अगस्त 2024 शाम 6 बजे तक आवेदन फॉर्म जो है स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म विभाग के पते आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल पर भेजना है। आवेदन फॉर्म की जो ऑफिशियल लिंक
के आगे जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भोपाल नगर निगम भर्ती चयन प्रक्रिया की बात कर रहा था, तो जो इसमें जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो इस भर्ती में आवेदक का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। देन उसके बाद भोपाल जो नगर निगम वैकेंसी की आवेदन की बात कर रहे, तो कैसे आपको आवेदन करना, तो योग्य आवेदक नगर निगम भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वहाँ से नहीं तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जो है आवेदन जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं लिंक वहाँ से दे दूंगा आपको। देन उसके बाद भोपाल नगर निगम की ये जो वेबसाइट है इस पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।